बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम एमएस एक्सेस में फील्ड्स को जमा करना सीखेंगे, मतलब इनके नंबर्स को जमा करना सीखेंगे। अगर आप कोई एग्जाम की शीट बनाते हैं तो तलबा के नाम, उनके सीरियल नंबर और उनके रोल नंबर्स, क्लास वगैरह, ये सारा कुछ मैंने पहले लिख लिया है ताकि ये वक्त बचे। और आप यहाँ चाहते हैं जो एक्सेस का जो टेबल है वहाँ ही पर ही आप चाहते हैं इनकी काउंटिंग हो जाए, तो इस लिहाज से भी आप इसको काउंटिंग कर सकते हैं। तो एक्सेल में तो आप इधर इक्वल टू और सम लेके कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर वो फीचर अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर कैलकुलेटेड फील्ड पर क्लिक करें आएंगे, और यहाँ पर हम चाहते हैं नंबर्स कैलकुलेट करें, तो हम नंबर्स पर क्लिक कर देंगे। अब हम किस तरह के, कौन कौन से फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो आप बहुत ही आसान है, एक्सेल जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान होगा। यहाँ पर आप अपने टेबल पर क्लिक करें, यहाँ पर इसको कहते हैं एक्सप्रेशन बिल्डर। यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे, तो वो बहुत ही आसान, अपना टेबल ढूंढें जहाँ पर आपका डाटा है, उसके बाद इसकी ये एक्सप्रेशन कैटेगरीज है, तो मतलब ये हमारी फील्ड्स शो हो रही हैं। हम जाते हैं इंग्लिश, उर्दू और फारसी, जितने भी मजामीन हो उन सबको आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश पे क्लिक करते हैं, इंग्लिश का मजमून आ गया, उसके इर्द गिर्द ये ब्रैकेट आ गई है, तो हम इसको जमा का साइन देते हैं, फिर उर्दू पर क्लिक करते हैं, फिर जमा का साइन देते हैं, फिर फारसी पर क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। और ये ऑटोमेटिक आपके सारे नंबरों को जो जो है ये तीनों फील्ड्स को कैलकुलेट करके यहाँ पर आपके टेबल में ही आपको ये फील्ड क्रिएट कर देगा, और आप इसका नाम रखते हैं टोटल या जो भी आप रखना चाहें। तो ये जो आप फील्ड्स के नाम देते हैं ये कोई इशू नहीं है, ये जब आप फॉर्म या रिपोर्ट बनाते हैं तो वहाँ पर टाइटल आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं और फील्ड्स ये ले सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगर आप लिख लेंगे तो ज़्यादा सहूलत रहेगी, सिर्फ उनको आप डिज़ाइनिंग अपने लिहाज से कर लें और यही नाम उधर वहाँ पर आ जाएंगे, या इसको उर्दू में लिख लेते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका था इसको टोटल करने का, और आइंदा मजीद वीडियोस में हम इसी तरह के मुख्तलिफ फीचर्स को डिस्कस करेंगे। जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।